हेलो फ्रेंड्स, कैसा का आई भरा है ना। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है कैनन IXUS 185 डिजिटल कैमरा। आप देख सकते हैं इसे किस तरह से चलाया जाता है, यह मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले इसके अंदर मेमोरी कार्ड और बैटरी किस तरह से घुसेड़ते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये है बैटरी का कवर और उसे स्लाइड करने के बाद ये खुल जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर दो स्लॉट है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। छोटे वाले के अंदर मेमोरी कार्ड जाएगा, बड़े वाले के अंदर ऑब्वियसली बैटरी जाएगी। तो पहले हम मेमोरी कार्ड डाल के देखते हैं। यह है मेमोरी कार्ड, 16 GB का मेमोरी कार्ड है। इसे किस तरह से अंदर डालते हैं ये आप देख सकते हैं। मेटल स्ट्रिप्स इस साइड होनी चाहिए, ध्यान से देखो और हल्का सा दबाओ उसको, तो मेमोरी कार्ड फिट हो गया है। अब बारी आती है बैटरी की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटरी तो मैंने चार्जर को लगाई है और यहां ऑरेंज इंडिकेटर लाइट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बैटरी इज स्टिल चार्जिंग। बैटरी थोड़ी डाउन है इसलिए अभी चार्जिंग हो रही है, लेकिन अगर ये फुल्ली चार्ज होती है तो ये ग्रीन इंडिकेटर लाइट हो जाता है। तो फिलहाल हम इस बैटरी को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर एक बार ध्यान से देखिए ये बैटरी में, बैटरी के स्लॉट में किस तरह से घुसेड़ता हूं। आप देख सकते हैं मेटल स्ट्रिप और यहां एक व्हाइट ट्रायंगल का मार्क है, ये बैटरी की बॉटम साइड है और उसी साइड से हमें बैटरी को स्लॉट के अंदर घुसेड़ना है। लेकिन उससे पहले एक ऑरेंज लॉक आप देख सकते हैं, इसको आपको थोड़ा सा पीछे धकेलना है। आप बैटरी की सहायता से ही उसको पीछे धकेलो और उसको अंदर दबाओ। आप देख सकते हैं कि बैटरी लॉक हो गई है। फिर एक बार आपको अगर बैटरी निकालनी है तो उसी लॉक को आपको पीछे धकेलना है नाखून से। आप देख सकते हैं बैटरी अनलॉक हो गई और उसे हल्का सा आप बाहर खींचेंगे तो बाहर आ जाएगी। हम फिर से बैटरी को अंदर डालते हैं, फिर से बैटरी लॉक हो गई है और हम कवर को लगाया, थोड़ा स्लाइड किया, कवर लग गया। लेकिन अगर ये कवर नहीं लगता तो इसका मतलब यह है कि शायद हमने बैटरी उल्टी पुल्टी लगाई है। तो आपको बैटरी फिर से बाहर निकालकर राइट पोजिशन में लगानी है। तो फ्रेंड्स, अब वक्त है कैमरा को चालू करने का। आप देख सकते हैं कैमरा के टॉप पे एक छोटा बटन है, ये कैमरा का पावर ऑन ऑफ बटन है। उस बटन को अब हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कैमरा के पिछवाड़े से लेंस की नलकांडी बाहर आ गई है। फिर वही बटन प्रेस करने के बाद नलकांडी अंदर गई। फिर एक बार हम बटन प्रेस करते हैं, अब कैमरा ऑन पोजिशन में है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूं कि फोटो किस तरह से कैप्चर किया जाता है। इसके लिए कैमरा के टॉप पर एक बड़ा बटन है, उस बटन को प्रेस करने के बाद आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन फोटो कैप्चर करने से पहले हमें सब्जेक्ट पर फोकस करना होता है। तो सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए उसी बटन को हल्का सा दबाना है, ज्यादा जोर से नहीं प्रेस करना है। जोर से प्रेस करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा। एक बार फोकस करने के बाद उसी बटन को हमें थोड़ा सा प्रेस करके रखना है जब तक कि क्लिक की आवाज ना आ जाए। आप देख सकते हैं फोटो कैप्चर हो गई है। फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, फोटो खींचने से पहले अगर हमें सब्जेक्ट को जूम करना है तो आप देख सकते हैं कि बड़े वाले बटन के बगल में एक छोटा लीवर है, उसे क्लॉकवाइज खींचना है। आप देख सकते हैं किस तरह से जूम हो गया है सब्जेक्ट, और जूम अगर कम करना है तो उसी लीवर को पीछे धकेलना है। इसके अलावा नीचे एक ऑटो जूम का बटन है, वो प्रेस करते ही अपने आप जूम होता है। लेकिन उसके बजाय ऊपर वाला जो मैनुअल जूम का बटन है वो अच्छा है, क्योंकि हम जैसा चाहे जूम कर सकते हैं। और ये जो निचला ऑटो जूम का बटन है ये वीडियो शूटिंग करते वक्त चलता नहीं। फ्रेंड्स, आपने एक बात देखी होगी कि फोटो खींचते वक्त फ्लैश उड़ा नहीं है। तो फ्लैश एक्टिवेट करने के लिए ये जो फ्लैश का चित्र देख रहे हैं आप इस बटन पर, तो उसको दबाना पड़ेगा। वो दबाने के बाद फ्लैश एक्टिवेट हो जाएगा।
अगर हमें फ्लैश नहीं चाहिए तो वही बटन को दबाओ, आप देख सकते हैं फ्लैश विल नॉट फायर। और अगर हमें चाहिए तो फिर से फ्लैश एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्लैश के साथ फोटो किस तरह से कैप्चर किया जाता है ये मैं आपको दिखाता हूं। हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, अब देख सकते हैं फ्लैश के साथ फोटो कैप्चर हुआ है। फिर एक बार देखो, फ्रेंड्स मैं अब आपको वीडियो शूटिंग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बताता हूं। ये रेड डॉटेड बटन आप देख रहे हो, ये बटन प्रेस करते ही वीडियो शूटिंग चालू हो जाएगा। चलिए मैं बटन प्रेस करके दिखाता हूं, आप देख सकते हैं वीडियो शूटिंग शुरू हुआ है, आप टाइमिंग देख सकते हो। आपको अगर जूम करना है तो वही ऊपर वाले जो लीवर्स को आप खींचकर जूम कर सकते हो, लेकिन वीडियो शूटिंग करते वक्त ये निचला जो ऑटो जूम वाला जो बटन है वो अब काम नहीं करेगा। चलो मैं ऐसे ही कैमरा घुमाता हूं वीडियो शूटिंग के लिए। मैं स्टॉप करता हूं। फ्रेंड्स हमने जो फोटोज और वीडियो शूट किया है वो हमें देखना है तो हमें इस बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बटन प्रेस करते ही हम कैप्चर फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं। इस बड़े बटन को लेफ्ट या राइट से प्रेस करके हम कैप्चर फोटोज और वीडियोस को स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर कैमरा ऑफ हो तभी हम ऊपर वाला जो बटन है ये प्रेस करके कैप्चर फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो शूटिंग देखने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो व्हाइट ट्रायंगल का साइन है, इसका मतलब ये वीडियो शूटिंग है। हम ये मिडल वाला बटन प्रेस करके जो वीडियो शूटिंग हमने लिया है वो प्ले कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए ये जो मेनू बटन प्रेस करके हम एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो फोटोज और वीडियोस शूट किए हैं उनमें से कुछ हमें डिलीट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बटन के ऊपर ऑटो और ये बिन का साइन है तो वो हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये नीचे ऑप्शन आएगा कैंसल और इरेज, इनमें से हमें इरेज को सिलेक्ट करना है इस तरह से। और उसके बाद ये मिडल वाला बटन दबाते ही वो फोटो डिलीट हो गया। फिर एक बार मैं दिखाता हूं, ये ऊपर वाला बटन दबाना है, उसके बाद इरेज को सिलेक्ट करो, उसके बाद मिडल वाला बटन दबाओ, फोटो डिलीट हो गया। चलिए ये फोटो भी डिलीट करके दिखाता हूं, ये ऊपर वाला ऑटो का बटन दबाओ, उसके बाद इरेज सिलेक्ट करो, उसके बाद मिडल वाला बटन दबाओ, फोटो डिलीट हो गया। फ्रेंड्स आपको कैमरा का सेटिंग देखने के लिए ऊपर वाला बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद मेन्यू का बटन जो है वो प्रेस कीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ काफी ऑप्शंस है, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसा चाहे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, म्यूट वॉल्यूम हिंट डेट टाइम आप यहां से सेट कर सकते हैं। और रिटर्न जाने के लिए फिर से मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए। आप फोटो लेते वक्त भी डेट और टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट वाला बटन है वो इसे प्रेस करने के बाद डेट या टाइम एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी मैंने ऑफ करके रखा है, लेकिन उसे सेट करने के लिए आपको मेन्यू ओपन करके डेट और टाइम सेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स कैमरा के नीचे ये जो होल देख रहे हो यहां से आप कैमरा को गोरिल्ला पॉड या ट्राइपॉड से फिट कर सकते हो। देखिए किस तरह से
गोरिल्ला पॉड से मैं कैमरा को फिट कर रहा हूँ। जब हम कैमरा गोरिल्ला पॉड को फिट करते हैं तो शूटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कैमरा ज़्यादा हिलता नहीं। कैमरा अगर हम गोरिल्ला पॉड को फिट करते हैं तो ज़्यादा हिलता नहीं, जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो आगे पीछे ऐसा हिल सकता है। गोरिल्ला पॉड की वजह से कैमरा को स्टेबिलिटी आ जाती है। फ्रेंड्स, ये जो कवर है ये ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा पोर्ट है, यहाँ से हम डेटा केबल कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमने जो फोटोज और वीडियोस लिए हैं वो हम कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सके। और ये इसका दूसरा एंड है जिसे हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको कैमरा की आउटडोर फोटो और वीडियो शूटिंग की क्वालिटी कैसी है ये मैं अब आपको दिखाता हूं। चलिए पहले हम आउटडोर फोटो की क्वालिटी देखते हैं। आप देख सकते हैं फोटो की क्लियरिटी और कलर सैचुरेशन मोबाइल के कैमरे से तो बेहतर है। अब वक्त है आउटडोर वीडियो शूटिंग की क्वालिटी कैसी है ये देखने की। आप देख सकते हैं अनजाने में मेरे हाथ से कैमरा काफी हिला है, इसीलिए हमेशा गोरिल्ला पॉड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कैमरा स्टेबल रह सके। फ्रेंड्स, आप वीडियो की क्लियरिटी और कलर सैचुरेशन देखो। जब हम मोबाइल के कैमरे से वीडियो शूटिंग करते हैं तो काफ़ी फीका फीका सा शूटिंग आता है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखो आप। इसी कैमरे से मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, बस प्रॉब्लम आता है रात में। रात में अगर कैमरा के फ्रेम में अगर लाइट्स आते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, लेकिन ये दिन का तो राजा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना, शेयर करना, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, इसके लिए पैसे नहीं लगते यार, ये फ्री होता है। और बेल आइकॉन दबाने का मतलब ये होता है कि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कुछ नहीं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।